हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कुकिंग बाय पूजा। इजी एंड टेस्टी अलग अलग नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है एग लबाबदार। सबसे पहले एग लबाबदार बनाने के लिए हम जो कढ़ाई या फिर पैन यूज करेंगे वो ऐसे ब्रॉड बॉटम वाला लेंगे। अब ये कढ़ाई में मैं 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब ये ऑयल में मैं ये कुछ खड़े मसाले डालने वाली हूँ। इसमें मैंने लिए है 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और ये 3 हरी इलायची। अब इन खड़े मसालों के साथ मैं इसमें 1 चुटकी हींग भी डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी ये 1 बड़े साइज़ का प्याज, मैंने एकदम फाइन चॉप करके लिए। अगर आप इतना फाइन चॉप नहीं कर सकते तो आप इसे कद्दूकस करके लीजिए। तो अब मैं ये प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन आने तक पकने देती हूँ। जब तक अपना ये प्याज पक रहा है तब तक इसके लिए जो एक वाटन तैयार करना है वो हम तैयार कर लेते हैं। वाटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए है। इसी के साथ 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और ये 8-9 काजू मैंने पहले ही भिगो के रखे थे, और इसी के साथ ये थोड़ा सा फ्रेश धनिया। अब इन सारी चीज़ों को पीस के मैं इसकी एक फाइन पेस्ट बना देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अपना वाटन तैयार हो गया है। तो ये देखिए, जब तक अपना वाटन तैयार हो रहा था तब तक अपना प्याज भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने वाटन तैयार किया था वो डाल देंगे। अब ये वाटन डालने के बाद हम प्याज के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक के हमने वाटन में जो कच्चा टमाटर, अदरक लहसुन और हरा धनिया लिया था उसका कच्चापन जाता नहीं है तब तक। और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि हमने जो वाटन बनाया था उसमें हमने काजू डाले थे तो उसकी पेस्ट नीचे कढ़ाई में लग सकती है। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में अपने मसालों में से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, मतलब अपना मसाला जो है वो एकदम अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें कुछ अपने ड्राई मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धना पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून चीनी। इसमें जो मैंने चीनी डाली है उससे अपना मसाला जो है वो स्वीट नहीं बनेगा, सिर्फ इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब इसी के साथ इसमें मैं 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है वो डाल देती हूँ, और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। अब इन सारे ड्राई मसालों को भी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ। अब मसाले भूनने के बाद मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून दूध की मलाई डाल देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर से एक बार सारी चीज़ें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसालों में से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें ये 1/2 कप जितना पानी डाल देती हूँ। अब पानी डालने के बाद इसे मैं ढक के 3 से 4 मिनट अच्छे से उबलने दूंगी। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में अपना मसाला एकदम बढ़िया से पक गया है। तो अब हम इसमें जो हमने तमालपत्र डाले हैं इसको निकाल देंगे, क्योंकि हम इसमें अंडे तोड़ के डालेंगे तो ये बीच में आ सकते हैं। और इसी के साथ ये जो हमने दालचीनी डाली थी वो भी निकाल देते हैं, इसीलिए मैंने दालचीनी का 1 ही बड़ा सा टुकड़ा डाला था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ ऊपर से, और इसी के साथ अब हम इसमें ये तोड़े हुए अंडे भी डाल देंगे। तो एक एक अंडे को हम ऐसे बोल में तोड़ के फिर धीरे से ऐसे इसमें डाल देंगे, क्योंकि अंडा कभी कभी अंदर से खराब भी निकल सकता है, इसके लिए हम ऐसे बोल में तोड़ के डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 अंडे तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। अब ये अंडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा धनिया। इसी के साथ मैं इसमें एक ये ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ,
और अब हम इसे बिल्कुल चलाएंगे नहीं, इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे हम 7 से 8 मिनट धीमी गैस पे पकने देंगे। फ्रेंड्स 7-8 मिनट के बाद अब वाह ये देखिए यहाँ पे अपने अंडे एकदम बढ़िया से कुक हो गए हैं और ऑयल भी पूरा ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे ये अपनी एक लबाबदार रेसिपी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम ये कढ़ाई को उठा के ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो दिखने में भी कितनी एकदम बढ़िया दिख रही है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और इसको परोसते समय हम ऐसे एक एक अंडे को पीसेस में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अपना मसालेदार एग लबाबदार बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इसे पराठा, नान या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हो और पाव के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एकदम सिंपल सी रेसिपी है, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदार सी और नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू।